कैसी बात की ड्यूटी कर रहे हो, चेक कर रहे हो? अपनी पहचान छुपाकर एक आईएएस अधिकारी सरकारी अस्पताल पहुंची और अस्पताल का जायजा लिया, जिसके बाद कर्मचारियों को भनक लगते ही कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे। मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जहां 2021 बैच की महिला आईएएस अफसर कृति राज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर फिरोजाबाद के घूंघट की चर्चा खूब हो रही है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले में तैनात आईएएस महिला एसडीएम औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। निरीक्षण के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गई। शुरुआत में उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाया। खुलासा तब हुआ जब घूंघट वाली महिला कोई और नहीं बल्कि एसडीएम मैडम निकली। फिर क्या था, मौजूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। बता दें कि एसडीएम को स्वास्थ्य केंद्र में कई खामियां मिली हैं। डॉक्टर, और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो ना बोलते हैं कि लिख के दे दे, तुम्हें लिख के दे। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान था और बार बार ये इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो वो इस रूम में। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामयी हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुंचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।